आज 55 यूपी बटालियन एनसीसी कानपुर ग्रुप का संयुक्त प्रशिक्षण शिविर 183 कानपुर छावनी स्थित 14 राजपूताना ओल्ड लाइन कैंप एरिया में 9वें दिन कैंप का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शाम 5 बजे से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी उपस्थित हुए, जिनका स्वागत कैंप के कमांडर कर्नल कौशिक द्वारा किया गया व उनकी पूरी टीम द्वारा उनको फूल मालाओं से लाद दिया गया और वहीं उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर मुरारी लाल जी अपने परिवार के साथ शामिल हुए कैंप में और सभी कैडेट्स का हालचाल भी पूछा। वहीं दीप प्रज्वलित कर केक काट कर सेरेमनी भी मनाई। कैंप कमांडेंट कर्नल समीर कौशिक व उनकी टीम द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वरिष्ठ समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल जी द्वारा कैंप के सभी कैडेटों के लिए मिठाई भी वितरण की गई और इस अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल समीर कौशिक, कमान अधिकारी 55 यूपी बटालियन एनसीसी व डिप्टी कमांडेंट मेजर भावना लोहानी, लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान सिंह, सूबेदार मेजर सुरेंद्र सिंह, सूबेदार कमलेश टीआरजी जेसीओ, सूबेदार अमर बहादुर गुरुंग एडमिन जेसीओ, हवलदार नर बहादुर थापा व अन्य पीआई और ट्रेनिंग स्टाफ इस कैंप में हिस्सा लिए। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से।
डिग्री से अभिनव प्रथम स्थान पर 54 बटालियन यस एनसीसी क्लब शुरू कर आप शुरू कर इधर देखो बेटा इधर यस ओके हां बेटा इधर यस यस बेटा डिग्री प्रथम शिवानी आ इनकी एक महानता है कि एक छोटे से व्यापारी को इन्होंने इतना महत्व दिया। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान पर आसमान में कहें मेरी भक्ति हमेशा देश के अच्छे अच्छे कामों में अपना सहयोग दें और मैं और सभी कौशिक जी इतने अच्छे और इतने बढ़िया आदमी हैं निकालना उसे फेंकना जमीन पे और माँ तुझे सलाम लिख देना दुल्हन चली हाँ बहन चली हमारे दुल्हन चली तो बहन चली तीन रंग की चोली बाहर देखे दुनिया आज का दिन बहुत ही अच्छा है जिस दिन हम 55 बटालियन के इतने अच्छे प्रोग्राम में जो हमारे सभी कौशिक जी ने हमको यहाँ चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का मेरे को चीफ गेस्ट बनाया है और मैं उसी प्रोग्राम के लिए आज यहाँ आया हूँ। बाबू जी ये किस तरह कार्यक्रम है क्या क्या यहाँ पे हुआ उसका अनुभव बता दीजिए। कार्यक्रम तो आप लोगों ने देखा ही है बड़ा अच्छा रंगारंग कार्यक्रम किया है बहुत अच्छे देशभक्ति के यहाँ गाने गाए गए और देशभक्ति के गानों के साथ साथ जो इनके बच्चे हैं उन्होंने अच्छा इतना बढ़िया नृत्य किया है वो तारीफ़ काबिल है। बाबू जी एनसीसी कैडेट्स को आप क्या कहना चाहेंगे देश के जवान भाई एनसीसी कैडेट 55 ये लोग मेरे को रेगुलर सम्मान देते हैं और उसमें सब में से अपने सभी कौशिक जी को देता हूँ जो हमेशा मेरे को हर बार यहाँ बुलाकर इतना सम्मान देते हैं। मैं इनकी किसी भी बात को काट नहीं सकता। मैं अभी भी इनसे कह रहा था कि एनसीसी में मेरे लायक और क्या क्या काम हो सकते हैं वो आप मेरे को बताएं जिससे मैं थोड़ा बहुत एनसीसी में भाई काम करता रहूँ। जब काम करेंगे तभी तो बच्चे हमारे जानेंगे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जानेंगे कि ये काम कौन कर रहा है तो ये इनकी महानता है ये मेरे को काम का मौका देंगे। मैं इनका बहुत बहुत जितनी बार ये काम बताएंगे उतनी बार मैं इनका धन्यवाद करूँगा। ठीक धन्यवाद।